गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माइक्रो स्टेट पार्ट 6 में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपको कोई दिया है उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आपको माइक्रो स्टेट निकालना है तो आपके दो इम्पोर्टेंट बताऊंगा मैं कि कैसे माइक्रो स्टेट निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के। तो CSIR, नेट, GRF गेट और सेट में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि उसने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है और उसका माइक्रो स्टेट निकालो कहेंगे और नीचे आपको ऑप्शन दिए होंगे 4 ऑप्शन, तो उसमें से एक को राइट करना है। तो देखिए माइक्रो स्टेट पार्ट 6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें हम सबसे पहला क्वेश्चन कर लेंगे। नंबर 1, NS2NP5, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका हेलोजन का है, ये कुछ भी हो सकता है आपका 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, तो हम सबके लिए निकाल लेते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन किसी के लिए भी हो सकता है। NS2NP5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का हमको माइक्रोस्टेट निकालना है। तो इम्पोर्टेंट है हेलोजन का, कभी सिंपल क्वेश्चन ये भी आ जाता है आपके जो आपके समूह गो टाइप के क्वेश्चन होते हैं या नीट के हो गए मेडिकल एंट्रेंस में कि NS2NP5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका है या हेलोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन देखिए कैसे बनाते हैं। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2NP5, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबके लिए यही रहेगा, बस ये चेंज होगा 2, 3, 4, 5 तक। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NP5, इसके लिए हमारा माइक्रोस्टेट निकलेगा। सबसे पहले आप N प्रिंसिपल नंबर, P ऑर्बिटल, 5 इलेक्ट्रॉन, तो हम P में 3 ऑर्बिटल होते हैं, 0 + 1 + 2 इलेक्ट्रॉन है 5, 1, 2, 3, 4, 5। इसके लिए L एजीमुथल क्वांटम नंबर P के लिए होता है 1। NPID इलेक्ट्रॉन को डिनोट करते हैं क्यों से, NPID इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये और ये तो आपके पेयर है, 1 इलेक्ट्रॉन है। Z फॉर्मूला है माइक्रोस्टेट के लिए, 4L + 2 ·4L + 2 − Q·Q। L की वैल्यू 1, Q की वैल्यू 1 को हम पुट अप कर देंगे इसमें, Z = आ जाएगा 4 × 1 + 2 ·4 × 1 + 2 − 1, Q की वैल्यू है 1 × 1 ·4 × 1 + 2 हो गया 6 × 4 × 1 + 2 − 6 − 1 − 5 × 1 = 1 ·5। 6 को ओपन कीजिए 5 तक, 6 × 5 · 5 · 1 · क्योंकि 1 की वैल्यू 1 होती है, तो ये आ जाएगा 5 × 5 कैंसिल, 1 की वैल्यू 1, तो इसके लिए जेड आ गया, Z = 6। हेलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2NP5 हो या 2S2 2P5, 3S2 3P5, 4S2 4P5, 5S2 5P5, ये हेलोजन का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो उसके लिए जो माइक्रोस्टेट आएगा वो आएगा 6। सेकंड देखते हैं, सेकंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2NP6, ये आपका नोबल गैस के लिए है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन, रेडॉन, तो उसके लिए है। हीलियम के लिए तो NS2 आता है, NP0 होता है, तो माइक्रोस्टेट सेम आएगी, ये हो सकता है 2S2 2P6, 3S2 3P6, 4S2 4P6, 5S2 5P6। तो किसके लिए निकलेगा, हमेशा ये भी पूछा गया है कि जो आपके नोबल गैस है उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो सिंपल से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे NS2NP6, ठीक है। तो जो आपका नेट लेवल का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है NS2NP6, तो इसके लिए माइक्रोस्टेट क्या होगा, जो हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NP6 के लिए निकलेगा, प्रिंसिपल नंबर पे डिपेंड नहीं करता N 1 2 3 4 5 कुछ भी हो। तो देखिए N प्रिंसिपल नंबर, P
ऑर्बिटल 6 इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले आप ऑर्बिटल बना लीजिए, पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, 0 प्लस 1 सॉरी माइनस 1, यहाँ भी गलत हो गया था, 0 प्लस 1 ये आता है माइनस वन, ऐसे यहाँ पर 0 प्लस 1 माइनस 1। तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 है, 1 2 3 4 5 6। एल एजीमथल क्वांटम नंबर, पी ऑर्बिटल है तो 1, क्यों कितने हैं सारे के सारे पीरियड है तो 0। तो इसके लिए माइक्रोस्टेट जेड इज इक्वल टू 4L plus 2 factorial upon 4L plus 2 minus Q factorial into Q factorial। जहाँ पर L एजीमथल क्वांटम नंबर है, इसकी वैल्यू NP6 के लिए 1 है, Q नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, NP6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए Q की वैल्यू 0, क्योंकि सारे के सारे पेयर्ड है। तो इस वैल्यू को इसमें पुट अप कर देते हैं, 4 into 1 plus 2 factorial upon 4 into 1 plus 2 minus 0 factorial into 0 factorial। अब यहाँ पर 0 factorial की वैल्यू भी 1 रख सकते हो, अगर 0 रखोगे तो फिर ऑल ओवर 0 आ जाएगा। तो यहाँ देख के क्या आ जाएगा, 6 factorial upon 6 factorial, 6 factorial से 6 factorial cancel 1 time, Z is equal to 1। जो भी आपके नोबल गैस है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन, रेडॉन एंड जीरो ग्रुप या नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP6 के लिए ऑलवेज जो आपका माइक्रोस्टेट आएगा वो आएगा 1। तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी कंप्लीट हो गया है माइक्रोस्टेट। इसमें भी आपको पेपर सॉल्व करना, कहीं पेपर में जो भी क्वेश्चन मिले ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया तो उनका माइक्रोस्टेट आप निकाल सकते हो, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो दिया है ऑर्बिटल उसके अकॉर्डिंग बनेगा। और नेक्स्ट आपका ये रहेगा, अगर कोई क्वेश्चन दिया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, इस पार्ट को पढ़ के अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसको सॉल्व करके वीडियो बना दूंगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच।